अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनम जावेद और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल ए बी सी पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे ईद के हवाले। ईद कुर्बान से कबर अपने जमी बर्फ की सफाई का आसान तरीका जान लें ताकि ईद में गोश्त महफूज रह सकें। ईद कुर्बान आने वाली है और इस ईद पर आपके फ्रीजर का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई ईद का गोश्त भी तो रखना है ना आपको। ये तो आजकल हर घर में खवातीन सोच रही होंगी कि क्या क्या पकाना है और कहाँ कहाँ रखना है। ऐसे में फ्रीजर का ठीक और साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मगर अगर फ्रीजर में बर्फ जम जाए तो समझे आपके एक दो घंटे तो साफ करने में लग गए, है ना। चले आज हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि कैसे फ्रीजर पर जमी हुई बर्फ को निकालें और कैसे इसको साफ सुथरा और महक से पाक बनाकर इसमें गोश्त नहीं ढेरों अशिया महसूस कर सकते हैं आप। नाजरीन, इस स्टेप्स को हमने पांच स्टेप्स इस प्रोसेस को हमने पांच डिफरेंट स्टेप्स में कन्वर्ट किया है, तो स्टेप नंबर वन से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तमाम चीज़ें फ्रिज से निकाल कर बाहर रख लें और इसको बंद कर दें और फ्रीजर में मौजूद तमाम शेल्फ निकाल लें और उसको अच्छी तरह से धो लें। स्टेप नंबर टू, अब 5 मिनट तक नमक और सोडे का पानी लगाकर फ्रिज को बंद रख लें। और आपके पास हेयर ड्रायर तो होता ही है, बस आपने करना क्या है कि हेयर ड्रायर लें और जमी हुई बर्फ पर हीट दें। ऐसा करने से फौरन आपके फ्रीजर से जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी और मिनटों में आपकी तमाम बर्फ पिघल जाएगी। स्टेप नंबर थ्री, जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तो किसी साफ कपड़े की मदद से साफ कर दें। जब आप ये काम कर लें तो फ्रिज को चला दें। और स्टेप नंबर फोर, एक प्याले में बेकिंग सोडा 4 चम्मच तकरीबन डालकर फ्रिज में रख दें। फिर जब फ्रिज कूलिंग करने लगे तो बेकिंग सोडा निकाल लें। और स्टेप नंबर फाइव, अपना तमाम सामान उसमें रख दें। इस तरह फ्रिज साफ भी हो जाएगा, किसी भी चीज़ की महक भी नहीं आएगी। और जब आप फ्रिज में कुर्बानी का ढेर सारा गोश्त रखेंगी तो प्याले में बेकिंग सोडा रखकर इसको फ्रिज में रख दें। आपका गोश्त खराब भी नहीं होगा और ना भी चीज़ों की महक आएगी, है ना आसान तरीका। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।